नमस्कार दोस्तों, जब भी दोस्तों हम कोई लोन लेते हैं, जैसे कि होम लोन हुआ, कार लोन हुआ, टर्म लोन हुआ, बिजनेस लोन हुआ, जिसमें दोस्तों ईएमआई होता है, तो उस केस में व्यक्ति को एक ऑप्शन दिया जाता है बैंक के माध्यम से कि आपको फिक्स इंटरेस्ट रेट लेना है या फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट लेना है। ये एक हमें ऑप्शन दिया जाता है। तो मैं आज हम बात करने वाले हैं फिक्स इंटरेस्ट रेट और फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट के बारे में, जिसमें क्या डिफरेंसेस हैं, और हम दोस्तों ये भी बात करेंगे कि हमें कौन सा इंटरेस्ट रेट दोस्तों लेना चाहिए। अंत तक वीडियो जरूर देखिए। मैं हूं आपका दोस्त सी हार्दिक ठक्कर, स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल में। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आता हूं ऐसी बातें जो आपके लिए फायदेमंद रहेगी। दोस्तों, जब भी व्यक्ति लोन लेता है तो बैंक के सामने से एक ऑफर दिया जाता है कि आपको फिक्स इंटरेस्ट रेट के साथ जाना है या फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट के साथ जाना है। तो मैं बता दूं, इसका सीधा जवाब यह है कि ये मार्केट की कंडीशंस के ऊपर निर्भर करता है। मार्केट की कंडीशन क्या है, इन्फ्लेशन देश में कैसा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या कहता है, गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, और बैंक की पॉलिसी के ऊपर दोस्तों हमें इंटरेस्ट रेट दोस्तों चूज करना चाहिए। फिक्स इंटरेस्ट रेट दोस्तों ये होता है कि जब भी दोस्तों हमने लोन लिया है बैंक से, तो हमारा इंटरेस्ट रेट पूरे टेन्योर के लिए फिक्स रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाऊं, तो हमने समझ लीजिए होम लोन लिया है 10 सालों के लिए, 10 लाख का हमने लोन लिया है और हमारा इंटरेस्ट रेट है दोस्तों 10%। तो 10 सालों के लिए आपको इंटरेस्ट 10% ही आपको देना है और आपका ईएमआई भी दोस्तों सेम रहेगा। ये होता है दोस्तों फिक्स इंटरेस्ट रेट। जबकि फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट में दोस्तों इस पूरे 10 साल में हमारा जो इंटरेस्ट रेट होता है वो दोस्तों चेंज होता है अकॉर्डिंग टू मार्केट कंडीशंस। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या कहता है उसके हिसाब से दोस्तों हमारा इंटरेस्ट रेट दोस्तों अप या डाउन होता है। समझ लीजिए, जब आपने लोन लिया तब आपका इंटरेस्ट रेट 10% चल रहा था, फिर बढ़ के 11% हो गया, फिर घट के 9% हो गया, फिर 9.5% हो गया। तो जो हमारा इंटरेस्ट रेट है दोस्तों फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट में दोस्तों चेंज होता रहता है, जिसकी वजह से हमारे ईएमआई के ऊपर भी दोस्तों इफेक्ट आता है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है फिक्स इंटरेस्ट रेट और फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट के बीच में। दूसरा इसमें यह होता है कि फिक्स इंटरेस्ट रेट में दोस्तों हमें, जैसे मैंने पहले बताया कि ईएमआई दोस्तों आपका 10 सालों के लिए सेम ही रहने वाला है, जबकि फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट में दोस्तों बैंक क्या करते हैं, आपकी एज को देखते हैं। अगर आपकी एज 20 से 40 साल है तो दोस्तों आपकी ईएमआई सेम रखते हैं, लेकिन आपका जो पीरियड है, जो इस एग्जाम्पल में मैंने बताया था कि 10 साल के लिए आपने लोन लिया है, उसे बढ़ाकर दोस्तों 11 साल कर देंगे या 12 साल कर देंगे और आपकी ईएमआई दोस्तों वही रहेगी। लेकिन दोस्तों अगर आपकी एज 40 साल से ज्यादा है तो बैंक क्या करता है, आपकी ईएमआई की अमाउंट है दोस्तों वो बढ़ा देती है। हाल ही में दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाए, अपने रेपो रेट्स बढ़ाए, तो आपको भी मैसेज आया होगा बैंक से, ईएमआई आपका ये था पहले और आपसे रिवाइज ईएमआई दोस्तों ये है। दोस्तों ये क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने जब लोन लिया है वो दोस्तों फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पे लिया है और आपका ईएमआई के अमाउंट दोस्तों चेंज हुआ है, इसकी वजह से दोस्तों आपको ये मैसेजेस आ रहे हैं जिसमें आपके ईएमआई अमाउंट को बढ़ा दिया गया है या फिर आपके जो लोन पीरियड है उसको बढ़ा दिया हो। तो ये दोस्तों होता है फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट। दूसरा इसमें क्या होता है कि फिक्स इंटरेस्ट रेट हमेशा 0.5 से लेके 1% ज्यादा होता है फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट के कंपैरिजन में। अगर मैं बता दूं फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट दोस्तों 8.5 है, तो आपका जो फिक्स इंटरेस्ट रेट होगा वो 8.90 होगा या 9% होगा या 9.5 होगा। तो इस तरह का दोस्तों डिफरेंस हमेशा फिक्स और फ्लोटिंग में रहता है। और फिक्स इंटरेस्ट रेट दोस्तों किसे लेना चाहिए, जिनकी दोस्तों अब रिटायरमेंट एज है, जिनकी दोस्तों फिक्स सोर्स ऑफ इनकम है, वो मार्केट की अप्स एंड डाउन्स को दोस्तों सहन नहीं कर सकते। वो दोस्तों उसका स्ट्रिक्ट प्लानिंग होता है, स्ट्रिक्ट बजटिंग होता है, तो उनको पता है कि मेरी इतनी इनकम है और इतना मेरा ईएमआई से जाएगा, तो मुझे इतने पैसे तो चाहिए। अगर ईएमआई दोस्तों बढ़ जाता है तो उनकी जो फाइनेंशियल प्लानिंग है, उसके जो बजट्स है, वो दोस्तों बिगड़ जाते हैं। तो जो ऐसे स्ट्रिक्ट प्लानर है, जो स्ट्रिक्ट बजट पे चलते हैं, जो दोस्तों रिटायरमेंट की एज पर है और जिनका फिक्स सोर्स ऑफ इनकम होता है, वो दोस्तों हमेशा फिक्स इंटरेस्ट रेट की ओर ही जाते हैं। और जो छोटे एज के होते हैं, 20 से 40 साल के होते हैं, तो उस केस में उनको फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट दोस्तों ज्यादा बेहतर रहेगा। फिर दोस्तों फिक्स इंटरेस्ट रेट में ये भी होता है कि अगर आपने फिक्स इंटरेस्ट रेट लिया है तो जो आप प्री पेमेंट करते हैं तो उसमें दोस्तों 2% तक की पेनल्टी भी लगती है,
ये बैंक टू बैंक डिफर करता है, लेकिन फिक्स इंटरेस्ट रेट अगर आपने लिया है तो लोन में दोस्तों अगर आप एडवांस पेमेंट करेंगे तो पेनल्टी भी लग सकती है, जबकि फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट में आपको कोई भी पेनल्टी नहीं है। आरबीआई ने उस पेनल्टी को दोस्तों एबॉलिश कर दिया है, उसे इस पेनल्टी को निकाल दिया है। फिर दोस्तों अगर हम बात करें तो जो बेसिक डिफरेंस आता है लॉक इन पीरियड का, कई बार दोस्तों बैंक ये भी फैसिलिटी देते हैं कि आपके पहले जो 2-3 साल है उसके लिए हम फिक्स इंटरेस्ट लेंगे और उसके बाद के साल में दोस्तों फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट लेंगे, तो ये दोस्तों बैंक टू बैंक डिफर करता है। अब दोस्तों हम ये बात जानते हैं कि ये जो फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट है वो दोस्तों कैसे डिसाइड होता है। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पॉलिसी, बैंक की पॉलिसी के ऊपर दोस्तों निर्भर करता है। जब भी दोस्तों इन्फ्लेशन होता है, हमने देखा होगा न्यूज के माध्यम से कि हमारे देश का जो अभी इन्फ्लेशन है दोस्तों बढ़ गया है, और इसकी वजह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंटरेस्ट रेट भी बढ़ाती है। हाल ही में दोस्तों अगर आप देखेंगे तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया है, जिसकी वजह से जो फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट है दोस्तों वो भी बढ़ा है। तो ये एक मुख्य कारण है जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट दोस्तों बढ़ता है। जब भी इन्फ्लेशन बढ़ता है तो इंटरेस्ट रेट भी बढ़ता है। इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट दोस्तों साथ साथ में चलते हैं। तो हमें ये एक फॉर्मूला मिलता है कि जब भी दोस्तों इन्फ्लेशन बढ़ता है तो इंटरेस्ट रेट भी बढ़ता है, तो हमें दोस्तों फिक्स इंटरेस्ट रेट के साथ जाना चाहिए। और जब भी दोस्तों इन्फ्लेशन डाउन होता है तो इंटरेस्ट रेट भी डाउन होगा, तो हमें दोस्तों फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट के साथ जाना चाहिए। तो इस हिसाब से दोस्तों हमें तय करना पड़ेगा कि मार्केट की दोस्तों कंडीशन क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पॉलिसी क्या है, उस हिसाब से दोस्तों हमें ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि हम फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट की ओर साथ जाएं या फिक्स इंटरेस्ट रेट के साथ जाएं। हाल ही में दोस्तों आप देखेंगे हमारा जो बेस रेट था, रेपो रेट था, वो दोस्तों 4% था, जबकि आज की डेट में दोस्तों 5.90 हो चुका है, यानी कि 190 बेसिस पॉइंट से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया है। तो ये दोस्तों क्यों हो रहा है? मार्केट में इन्फ्लेशन की वजह से जो वर्ल्ड के जो डिसीजन होते हैं उसका असर भी हमारे देश के ऊपर पड़ता है। जैसे कि कोई कंट्री में वॉर चल रहा है तो भी हमारे देश के ऊपर दोस्तों इफेक्ट होगा, क्योंकि इससे सप्लाई चेन इफेक्ट होता है, फूड सप्लाई में प्रॉब्लम्स आती है, ऑयल और नेचुरल गैस, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की दाम भी बढ़ जाते हैं, इसकी वजह से इन्फ्लेशन भी बढ़ता है। और इसके मुकाबले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करते हैं, इंटरेस्ट रेट में दोस्तों बढ़ोतरी करती है, जिसकी वजह से डिमांड है वो दोस्तों कम हो जाए, लोग बैंक से लोन कम ले, इसकी वजह से इंटरेस्ट रेट दोस्तों बढ़ाया जाता है। तो ये एक तरीका है जिससे हम फिक्स और फ्लोटिंग के बीच का जो डिफरेंस है वो जान सकते हैं और हम अपना बेनिफिट ले सकते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि फ्लैट इंटरेस्ट रेट के बारे में और रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट के बारे में दोस्तों क्या डिफरेंस होता है, कैलकुलेशन के साथ समझेंगे। दीजिए इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।